वीर्य पतला हो गया है। बहुत से यंगस्टर ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि मेरा वीर्य बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, येलोइश हो गया है, इसमें बिल्कुल भी गाढ़ापन नहीं है, क्या मैं एक्चुअली बाप बन पाऊंगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बाद में हो सकती हैं, क्या एक्चुअली आपका गाढ़ापन बढ़ा सकता है, ऐसे घरेलू उपाय, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपनी किचन से लेकर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप कर सकते हैं और गारंटी आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं बिना कोई लंबे चौड़े प्रोग्राम और टेस्ट कराए, बिना घर से घरेलू उपाय। तो ये वीडियो अंत तक देखेंगे, मुझे पता है आप देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, साथ साथ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो वीरे की अगर मैं बात करूं, सिमेन एक्चुअली आप जब पुरुष जब उत्तेजित होते हैं तो ये मूत्र मार्ग से निकलता है। अब सिमेन का मतलब स्पर्म नहीं है, पहले तो आप इस डाउट को क्लियर करें। जो सिमेन है उसके अंदर बहुत सारी और चीजें होती हैं, जिसका सिर्फ अगर आप लगा लीजिए 1/4% ही आपका स्पर्म है। सिमेन के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके स्पर्म को कहीं ना कहीं मोटिलिटी और एक अच्छा न्यूट्रिएंट प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो मर ना पाए। मतलब एक अच्छा स्पर्म, एक हेल्दी स्पर्म जब तैर के फीमेल के अंडे के साथ मिलेगा तो वहां पे बच्चा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके स्पर्म में मोटिलिटी कम है या उसका काउंट कम है, उसका रिलेशन आपके बच्चा होने से है। लेकिन अगर आपका सीमेन गाढ़ा है, पतला है, लेकिन उसमें स्पर्म काउंट ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से मेल्स ऐसे हैं जो सीमेन का गाढ़ापन लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आके रिपोर्ट कर आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार मेरा स्पर्म तो ठीक है, मुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मर्दानगी की निशानी नहीं है। यस, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम अपने सीमेन को गाढ़ा करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि उसके कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण है जिंक की कमी। अगर आपकी डाइट में जिंक नहीं है और आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, तो आपका वीर्य डेफिनेटली पतला हो सकता है। दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है जब आपने रिपीटेटिव मास्टरबेशन किया हो, मतलब दिन में 8-10 बार या फिर एक बार करते समय 3-4 बार अगर आप कर रहे हैं, तो आपका वीर्य को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो दोबारा से सही से प्रोड्यूस हो सके। और अगर आपने उसके रिट्रैक्टिव पीरियड से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया, तो डेफिनेटली आपका जो सीमेन है वो पतला हो सकता है। तीसरा बड़ा रीजन रहता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपका सीमेन बिल्कुल ही पतला और पानी जैसा निकलने लगेगा। साथ साथ अगर आपकी बॉडी में स्पर्म की क्वांटिटी कम है, मतलब किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस हो, जैसे आपकी टेस्टीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिकोसील हो सकता है, या फिर आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई दिक्कत हो सकती है, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और वही एक सिग्नल है कि आपका वीर्य पतला हो गया है। आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी धीरे धीरे आपका वीर्य पतला हो सकता है। अब अगर हम जानने की कोशिश करें कि वीर्य में और क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, जिंक, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, लैक्टिक एसिड, नाइट्रोजन, एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत सारे छोटे 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 न्यूट्रिएंट्स, जिनकी क्वांटिटी डेफिनेटली कम है, लेकिन उनका होना एक स्पर्म की हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक मुद्दे पर आती हूँ कि एक्चुअली ये गाढ़ा करने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले जरूरी है एक्सरसाइज। अगर आप अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं और रूटीन से करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्पर्म या आपका सीमेन गाढ़ा हो सकता है। दूसरा, आपको अपने तनाव को दूर रखना है, चाहे कोई भी रीजन है, चाहे वो पैसे की तंगी हो सकती है, परिवार में आपस में उलझने हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तनाव से ग्रसित हैं तो इनडायरेक्टली आपका सीमेन कभी भी गाढ़ा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहेगा, तो अपने तनाव को दूर रखें। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा दे रही हूँ आपको, सूरजमुखी और कद्दू के बीज हैं, ये आपको लोकल जर्नल स्टोर से मिल जाएंगे, ये आप लेना शुरू कीजिए। और अगर आप 1 चम्मच कद्दू और सूरजमुखी के बीज लेते हैं पानी के साथ 1 महीना, तो 1 महीने के बाद आपकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है और साथ साथ आपका जो ये गाढ़ापन है वो भी इंक्रीज होगा। विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन आपने करना है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराते हैं, स्पर्म लेवल चेक
कराते हैं लेकिन अपना विटामिन डी का लेवल चेक नहीं कराते। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में वो एनर्जी लाने के लिए ताकि वो सही या सुचारू रूप से काम कर सके। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ले सकते हैं दूध से बनी हुई चीजों के साथ और सूर्य की रोशनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट भी आपको अपने खाने में जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आपको ऑक्सीजन ज्यादा देगा, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं वो एसिडिक है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट साथ में लेना शुरू कर दें तो आपका वीर्य गाढ़ा हो सकता है। साथ साथ वीर्य को गाढ़ा करने के लिए दही, बादाम, लहसुन, अनार, राजमा, ग्रीन टी, केला, नींबू, साबुत अनाज व दालें, डार्क चॉकलेट, दूध वाले पदार्थ और हल्दी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे वसा हैं जिनसे आपको दूर रहना है, अलसी, अखरोट, बेरी, राई का तेल, बीन्स, इनमें ओमेगा 3 के गुण पाए जाते हैं और इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है अगर आपको अपने वीर्य को गाढ़ा करना है। इन घरेलू नुस्खों को अगर आप डाइट में ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाएंगे तो धीरे धीरे मास्टरबेशन को थोड़ा सा कम करते हुए आप अपने सीमेन क्वालिटी में चेंज देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और अगर आप पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं, फेस टू फेस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, www.drnehamehta.com यहाँ पर आपने बने रहना है क्योंकि बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आती हूँ। साथ साथ आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं डॉक्टर नेहा इस पे वीडियो बनाओ तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।